Alright, welcome to another video of Machine and Mechanism. आज हम बात करने वाले हैं स्कोडा के इन्फोटेनमेंट सिस्टम के बारे में. कैसी है कनेक्टिविटी, कैसी है आवाज, साउंड क्वालिटी, फंक्शंस, फीचर्स, आइए बात करते हैं इसके बारे में. सो सबसे पहले तो इसकी लुक इस तरह से आपको नजर आएगी. इन्फोटेनमेंट सिस्टम 10 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है आपको इसके अंदर. इसकी टच एंड फील इज क्वाइट गुड. लाइक फंक्शंस में आपको टच स्मूथनेस के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये बहुत स्मूथ है, लाइक यूजर फ्रेंडली, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. इसको आसानी से आप यूज कर पाएंगे, प्रॉब्लम इसमें आपको होगी नहीं यूज करने के अंदर. अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें फोन कनेक्ट, तो यहाँ आपको मिलते हैं ब्लूटूथ का ऑप्शन, यहाँ आपको मिलता है एप्पल कार प्ले का ऑप्शन, यहाँ आपको मिलता है एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन, और यहाँ मिलता है वाईफाई का ऑप्शन, वाईफाई ऑन ऑफ. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं. इसमें एप्पल का प्ले आ गया, एंड्रॉयड ऑटो, नेविगेशन, ये है इसका नेविगेशन. नेविगेशन खोलने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखता है या मैप डाउनलोड करने का, या अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, इंडिया, आंध्र प्रदेश, जहां भी आप स्टेट में रहते हैं उसका मैप आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद आप नेविगेशन यूज कर पाएंगे. लेट्स क्लिक द होम बटन. अब इसके बाद आ गया ड्राइविंग डेटा, व्हीकल स्टेटस, नोटिफिकेशन. आइए देखते हैं इसका ड्राइविंग डेटा. इसमें यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं तीन, सिंस स्टार्ट, सिंस रिफ्यूल एंड लॉन्ग टर्म. सिंस स्टार्ट का मतलब है कि जब से आपने सुबह गाड़ी स्टार्ट करी है तब से लेके अब तक क्या कंजम्पशन आई है, कितना टाइम ट्रेवल किया है आपने, कितने किलोमीटर ट्रेवल किया है, और इसकी एवरेज स्पीड, और कितनी गाड़ी और चलने वाली है, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे. अब बात करते हैं सिंस रिफ्यूल, जब से आपने पेट्रोल भराया है गाड़ी में तब से लेके अब तक क्या एवरेज है, क्या कंजम्पशन है, कितना टाइम ट्रेवल किया है आपने, और कितनी गाड़ी और चलने वाली है, एवरेज स्पीड, एवरेज टाइम, कंजम्पशन, ट्रिप, कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है पेट्रोल भराने के बाद, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएंगी, और ये है लॉन्ग टर्म. आइए इसके आगे चलते हैं. ओके, दिस इज प्ले एप्स. यहाँ आपको बटन मिलता है डिस्कवर मोर स्कोडा प्ले एप्स. स्कोडा प्ले ऐप यूज करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है. अपना यूजर नेम पासवर्ड बनाने के बाद स्कोडा प्ले ऐप्स की जो वेबसाइट है उसके अंदर आपको बनाना पड़ेगा अकाउंट. अकाउंट बनाने के बाद आप इस स्कोडा प्ले ऐप्स का फंक्शन अनेबल करके इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको चार एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है. मैंने अभी दो ही एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है बिकॉज बाकी दो की मेरे को यूज नहीं लगा, गाना एंड नेविगेशन. ये दो एप्लीकेशन आपको इसके अंदर दिख जाएंगी. अब इसकी बात करते हैं सेटिंग्स. सेटिंग में आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखता है क्विक सेटिंग्स, इसमें स्क्रीन ऑफ, वन टच से स्क्रीन ऑफ एंड वन टच से ही आपकी स्क्रीन वापस आ जाएगी. ऑडियो में चार ऑप्शन मिलते हैं, रॉक, पॉप, क्लासिक, कस्टम एंड बैलेंस एंड फेडर. इसमें आप जैसे पीछे जो पीछे बुजुर्ग बैठे हैं, फॉर एग्जांपल ओल्डीज बैठे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनको आवाज ना सुनाई दे और सिर्फ आगे के बंदों को ही आवाज सुनाई दे तो आप इस कर्सर को उठा के आगे कर देंगे, तो यहाँ सिर्फ फ्रंट के दो स्पीकर्स में आवाज आएगी और बैक के स्पीकर्स में आवाज आनी बंद हो जाएगी. सेम गोज विद बैक सीट एज वेल, अगर चाहते हैं कि सिर्फ पीछे आवाज आए, आगे आवाज ना आए, तो इसको आप पीछे कर सकते हैं. और सेंटर में करने के लिए यहाँ बटन दिया गया है, ये आ गया सेंटर में. दिस इज प्रोफाइल. प्रोफाइल में आपका नाम, एक पिन कोड डालने का ऑप्शन आता है जिसमें कि वैले मोड में आपको वो पिन कोड काम आता है. डिलीट द पिन कोड का ऑप्शन भी दिया गया है. न्यू प्रोफाइल ऐड करने का भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा आपको. अब यहाँ आ गया लाइट्स. लाइट्स में आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इन पैनल लाइटिंग्स, जो यहाँ पे लाइटिंग आती है आपकी वो, एंड इसके यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग यहाँ पे दे रखी है नीचे, ये दोनों सेट करने का ऑप्शन यहां से मिल जाएगा आपको. ये आ गया फ्रंट. कमिंग होम, लिविंग होम, कन्वीनियंस इंडिकेशन, टाइम ऑन डेट, टर्न ऑन टाइम. ये टर्न ऑन टाइम्स में आपका अर्ली, मीडियम, लेट का ऑप्शन आ गया. अब आ गया सिस्टम सेटिंग्स. सिस्टम सेटिंग के अंदर आपकी आ गई ब्लूटूथ, फोन, ऑडियो, डिस्प्ले. ब्लूटूथ में अगेन ऑप्शन सिलेक्ट करने का है. इसमें विजिबिलिटी, ब्लूटूथ नेम क्या रखना चाहते हैं वो आप रख पाएंगे, डिवाइस मैनेजर. देन फोन, फोन की सेटिंग्स ब्लूटूथ, इंटरनल रिंगटोन्स, ऑडियो और इंटरनल रिंगटोन्स का ऑप्शन जो है इसमें ये है कि ब्लूटूथ से अगर आप फोन कनेक्ट करते हैं तो गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम में जब आपका कोई फोन आता है तो उसके रिंगटोन आप क्या रखना पसंद करेंगे. ऑडियो, ऑडियो में मैक्स स्टार्टअप वॉल्यूम, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम,
नेविगेशन अनाउंसमेंट, एंटरटेनमेंट, रिडक्शन पार्किंग, रिंगटोन वॉल्यूम, मीडिया वॉल्यूम, फोन वॉल्यूम एंड ब्लूटूथ ऑडियो वॉल्यूम, साउंड मिक्सर, बैलेंस एंड फेडर, टच स्क्रीन साउंड, सारे ऑप्शंस यहां मिलते हैं। कार के अंदर ब्लूटूथ, फोन, ऑडियो, डिस्प्ले। डिस्प्ले में जाते हैं तो स्क्रीन ऑफ इन 10 सेकंड्स, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर पाएंगे इसको आप। ब्राइटनेस, स्किन्स, टच स्क्रीन साउंड, ऑटोमेटिक वैले मोड। और कार के ऑप्शन में यहाँ पे कार, थर्ड ऑप्शन इज कार, एंड कार के ऑप्शन में दिखता है आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ एंड ऑन करने का ऑप्शन, लाइट सेटिंग, टाइम एंड डेट, मिरर्स एंड वाइपर्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जाते हैं करंट। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, आपको मैंने एक वीडियो पर्टिकुलरली बनाई हुई है इसके बारे में, आप जाके चैनल में देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप क्या क्या देखना पसंद करेंगे और क्या नहीं करेंगे ये भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने जो सिलेक्ट किए हुए हैं वो करंट इकोनॉमी, एवरेज इकोनॉमी, ट्रेवल टाइम, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, डिजिटल स्पीड डिस्प्ले, स्पीड वार्निंग, रीसेट्स एंड स्टार्ट एंड रीसेट्स लॉन्ग टर्म, ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अब आगे मीडिया में, मीडिया में अगेन ऑडियो एंड ब्लूटूथ, एप्लीकेशंस में आप ऑर्डर बाय, अल्फाबेट, इंस्टॉल डेट, एप्स मैनेजमेंट में जाएंगे तो आप गाना और नेविगेशन, दो इसमें एप्लीकेशंस हैं। और नोटिफिकेशन, जब भी कोई आती है गाड़ी में तो यहाँ पे नोटिफिकेशंस का ऑप्शन आ जाता है। अब बात करते हैं इसके वैले मोड की। अच्छा, वैले मोड आपको मैं डिस्क्राइब करता हूं, इसका वैले मोड विल बी एक्टिव। ओके, यस कर देते हैं इसको। राइट, सो वैले मोड के अंदर यहां पे दिखा रहा है इंसर्ट द पिन कोड टू लॉक द सिस्टम, इफ यू डोंट रिमेम्बर योर पिन कोड यू कैन रीसेट द डिवाइस टू फैक्ट्री सेटिंग्स। यहां दिखा रहा है 0 रीच्ड एंड 0.0 किलोमीटर डिस्टेंस। जैसे आप वैले पार्किंग में गाड़ी की चाबी हैंड ओवर करते हैं, उसके बाद जो ड्राइवर आपकी गाड़ी चलाएगा कितने किलोमीटर गाड़ी चला चुका है, अगर मान लीजिए वो कोई बूट ओपन करता है या फ्यूल पंप का जो ढक्कन होता है वो खोलता है, और जो भी एक्टिविटीज वो करता है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इसमें आपको लग जाएगा पता कि उसमें फ्यूल लेड खोली है कि नहीं खोली है, कौन सा दरवाजा खोला है, बूट खोली है कि नहीं खोली, और कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएंगी। और इसको अनलॉक करने का सिर्फ एक ही एक ऑप्शन है जिसमें आपको कोड डालना पड़ता है, कोड डालने के बाद आप इसको अनलॉक कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, ये थी स्कोडा कोशैक की इंफोटेनमेंट सिस्टम। इफ यू लाइक द वीडियो kindly सब्सक्राइब इट, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको गाड़ी की वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।